Oh, Jesus. Holy. Looks a lot bigger up close, right? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2022 में आई एक खतरनाक सर्वाइवल मूवी की स्टोरी को, जिसका नाम है फॉल। तो बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि तीन लोग एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली वो एडवेंचर के लिए ये सब करते हैं। उन तीनों का नाम है हंटर, बैकी और डैन। बैकी और डैन कपल होते हैं। वो लोग काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। पहाड़ी पर एक होल होता है जिसमें डैन अपनी क्लाइंबिंग क्लिप को फंसाने की कोशिश करता है। तभी उस होल में से एक बर्ड निकलता है, जिससे डरकर डैन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे लटक जाता है। बैकी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर डैन नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद स्टोरी एक साल आगे मूव करती है। बैकी एक बार में बैठकर शराब पी रही होती है। वो डैन की यादों में डिप्रेस्ड हो चुकी है। बार बार वो डैन के नंबर को डायल करके उसका वॉइस मेल सुनती है। बार से निकलने के बाद वो देखती है कि उसके फादर बाहर खड़े हैं। बैकी पूछती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम डैन को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो, वो इतना भी अच्छा इंसान नहीं था, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। ये सब सुनकर बैकी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से अकेले चली जाती है। उसी रात को हंटर बैकी के घर आती है। हंटर बताती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे कॉल किया, उन्हें तुम्हारी चिंता है। हंटर उसे अपना प्लान बताती है। वो उसे फोन में एक B67 टीवी टावर की फोटो दिखाती है। वो बताती है कि इस हफ्ते वो एडवेंचर के लिए उस टावर पर चढ़ने वाली है और वो कहती है कि बैकी भी उसके साथ आए। इतना ही नहीं, हंटर कहती है कि उस टावर से वो डैन की अस्थियों को भी गिरा सकती है जो उसने अभी तक संभाल कर रखी है। बैकी शुरुआत में तो ये सब करने से मना करती है, लेकिन अगले दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है और वो टावर पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मॉर्निंग में वो दोनों उस टावर के लिए निकलते हैं। हंटर अपनी इस एडवेंचर जर्नी को फोन से रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्डिंग के चक्कर में वो मरने से थोड़ा ही बचते हैं। उनकी कार एक ट्रक से टकराने वाली थी, लेकिन टाइम रहते हंटर ने ब्रेक लगा दिया। टावर के इलाके में एंट्रेंस बंद होती है, तो उन्हें अपनी कार को छोड़कर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में वो देखते हैं कि दो बाज एक जिंदा जानवर को खा रहे होते हैं, जिससे वो अधमरा हो जाता है। टावर के ठीक नीचे पहुंचकर जब हंटर और बैकी उसकी हाइट को देख रहे होते हैं, बैकी थोड़ी डर जाती है। उस टावर की हाइट 2000 फीट होती है। हंटर चढ़ने से पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन बैकी डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करती है। धीरे धीरे बैकी के दिमाग से एडवेंचर का भूत निकल जाता है और वो चढ़ने से मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे थोड़ा मोटिवेट करती है और फाइनली उसे कन्विंस कर लेती है। पहले हंटर चढ़ना शुरू करती है और उसके पीछे बैकी। वो दोनों एक दूसरे को 50 मीटर की रोप से क्लिप कर लेते हैं। हंटर बताती है कि आने वाली सर्दियों में इस टावर को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है। जैसे जैसे वो दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं, टावर की सीढ़ियां हिलना शुरू कर देती हैं और तभी सीढ़ी की एक रॉड टूटकर नीचे गिर जाती है। अगेन बैकी की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हो। टावर इतना पुराना था कि उसके नट बोल्ट भी खत्म होने की कगार पर थे। आधी दूरी तय करने के बाद वो ब्रेक लेते हैं और पानी पीकर फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। 1800 फीट तक सीढ़ियां टावर के अंदर की तरफ थी, लेकिन बचे हुए 200 मीटर में सीढ़ियां बाहर की तरफ थी और वहां चढ़ने की हिम्मत बैकी में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। वो साफ मना कर देती है कि उससे नहीं चढ़ा जाएगा। हंटर फिर से उसे कन्विंस करके ऊपर आने को कहती है। हंटर बैकी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे मत देखना, लेकिन इंसानी दिमाग मानता कहाँ है। बैकी नीचे देखती है और लिटरली उसकी फट जाती है। थोड़ा और ऊपर जाने के बाद हंटर सीढ़ियों को जोर जोर से हिलाकर बैकी को डराती है, जिसकी वजह से सीढ़ियों के बोल्ट्स और भी ढीले हो जाते हैं। एक बोल्ट निकलकर नीचे गिर जाता है। फाइनली जैसे तैसे वो दोनों ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन बैकी के ऊपर चढ़ते टाइम सीढ़ी का एक और बोल्ट निकलकर नीचे गिर जाता है और इस बात का एहसास उन दोनों में से किसी को भी नहीं था। वो दोनों ऊपर से दिखने वाले ब्यूटीफुल व्यू का मजा लेते हैं और खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाते हैं। खूब सारी फोटोज के साथ साथ हंटर वीडियो भी रिकॉर्ड करती है।
बैकी जो अभी तक डरी हुई थी वो फाइनली शांत हो जाती है। इतना ही नहीं, वो ड्रोन उड़ाकर एक सिनेमैटिक वीडियो भी बनाते हैं। हंटर उस टावर के नीचे एक हाथ से लटककर अपनी वीडियो बनवाती है। वो खुराफाती दिमाग खुद तो पागल होती है, फिर बैकी को भी सेम काम करने को बोलती है और उसके साथ एक सेल्फी लेती है। और अब बैकी अपने दिल के उस बोझ को हल्का करती है जिसके साथ वो पिछले एक साल से जी रही थी। 2000 फीट की ऊंचाई के उस ऊंचे टावर से वो डैन की अस्थियों को हवा में गिरा देती है और उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोल देती है। इसके बाद वो दोनों वापस नीचे आने की तैयारी करते हैं। पहले बैकी उतरना शुरू करती है, लेकिन उसे क्या पता था ये बेजान सीढ़ियां उन दोनों की जान की मुसीबत बन जाएंगी। 2-3 कदम नीचे जाने के बाद सीढ़ियां अपनी जगह से उखड़ने लगती हैं और नीचे गिर जाती हैं। बैकी उस 50 मीटर की रस्सी से लटक जाती है जिसे हंटर ने अपने साथ क्लिप किया हुआ था। हंटर पूरी जान लगाकर बैकी को ऊपर खींचती है। हालांकि एक बार उसका हाथ फिसल जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे वापस पकड़कर खींच लेती है। एडवेंचर के चक्कर में इन दोनों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। ऊपर से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बीच की सीढ़ियां टूटकर नीचे गिर चुकी हैं। अब हंटर और बैकी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। इनकी किस्मत तो देखो, 2000 फीट ऊंचाई पर इनके फोन में कोई भी सिग्नल नहीं है, जबकि टावर के जस्ट नीचे यानी जब वो जमीन पर थी तब सिग्नल था। टावर के इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स में उन्हें एक बायनोक्यूलर और एक फ्लेयर गन मिलती है। जब उन्हें प्यास लगती है तो उन्हें याद आता है कि पानी की बोतल बैग में है और बैग नीचे गिर चुका है। हंटर कहती है कि सीढ़ियों की गिरने की आवाज किसी न किसी ने जरूर सुनी होगी और 911 पर कॉल भी कर दिया होगा। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, कोई ना कोई जरूर आने वाला होगा। और इस सब में बैकी को पता भी नहीं चला कि उसके पैर में चोट लग गई है और चोट काफी गहरी थी, जिसे हंटर अपनी शर्ट से बांध देती है। उसके बाद वो किसी के आने का वेट करते हैं। 5 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, टावर के ऊपर फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था, तो हंटर अपने फोन में हेल्प के लिए एक मैसेज लिखकर उसे पोस्ट कर देती है और फोन को रस्सी से नीचे लटकाकर कोशिश करती है कि शायद थोड़ा बहुत सिग्नल मिल जाए और मैसेज पोस्ट हो जाए, क्योंकि नीचे जमीन पर सिग्नल आ रहा था। लेकिन इतना करने से बात नहीं बनती है, तो हंटर बची हुई सीढ़ियों पर लटक कर फोन को थोड़ा और नीचे ले जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, मैसेज पोस्ट नहीं हुआ। बैकी को आइडिया आता है कि जमीन पर सिग्नल था तो क्यों ना फोन को नीचे फेंक दिया जाए। हंटर अपना शू निकाल कर अपना फोन उसमें रखती है और पैडिंग के लिए अपना एक सॉक्स और कुछ कपड़े जूते में फंसा देती है, जिससे कि फोन टूटे ना, और फिर जूते को नीचे फेंक देती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद हंटर को एक रैंडम आदमी अपने कुत्ते के साथ नीचे घूमता हुआ दिखाई देता है, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन 2000 फीट की ऊंचाई से उस आदमी तक कोई भी आवाज नहीं पहुंचती है। बैकी अपना जूता फेंक कर उसे इशारा देने की कोशिश करती है, फिर दूसरा शू भी फेंकती है, लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद उन्हें थोड़ी दूरी पर एक आरवी बस दिखाई देती है, तो वो रात होने का वेट करते हैं ताकि फ्लेयर गन चलाकर उस बस में बैठे लोगों को इशारा दे सके। रात होते ही वो फ्लेयर गन चला देती है और बस वाला आदमी उन्हें देख भी लेता है। वो उनकी कार की तरफ आते हैं, हंटर और बैकी खुश हो जाते हैं, लेकिन असल में वो उनकी मदद करने नहीं बल्कि उनकी कार चुराने आते हैं। रात में अब वो दोनों उस टावर पर आपस में बात कर रही होती हैं। बैकी हंटर को बताती है कि डैन कभी भी उसे आई लव यू नहीं कहता था, उसकी बजाय वो उसे 143 बोलता था। और सेम 143 का टैटू बैकी को हंटर के पैर पर दिखाई देता है, जिससे बैकी तुरंत समझ जाती है कि डैन और हंटर का अफेयर चल रहा था। वो हंटर से पूछती है कि ये सब कब से चल रहा था। हंटर उसे सब कुछ बताकर सॉरी मांग लेती है। सुबह हो जाती है और वो दोनों प्यासी होती हैं, लेकिन उसकी पानी की बोतल नीचे गिरे बैग में होती है, तो हंटर उस बैग को ऊपर तक लाने की कोशिश करती है। वो टावर के पोल से रस्सी को बांधकर नीचे फेंक देती है और फिर बैग तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, तो वो टावर पर लगे उस पुराने रिसीवर के ऊपर कूद जाती है जहां पर बैग गिरा हुआ था। लेकिन वापस रोप तक जाना इम्पॉसिबल था, तो वो पहले बैग से सेल्फी स्टिक निकालकर उसकी मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और फिर कूदकर बैग को पकड़कर उस पर लटक जाती है। फिर बैकी उसे ऊपर खींचती है, लेकिन हंटर का हाथ फिसल जाता है, उसके दोनों हाथ छिल जाते हैं, वो खुद को ऊपर नहीं खींच सकती है। बैकी जैसे तैसे हंटर को बैग के साथ ऊपर खींच लेती है और सबसे पहले वो पानी पीती है। उसके बाद वो एक पेपर में हेल्प के लिए नोट लिखकर उसे ड्रोन में फंसाकर ड्रोन को पास वाले होटल तक ले
जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है और वो उसे वापस अपनी तरफ ले आते हैं। उनके पास चार्जर तो होता है लेकिन पावर नहीं। फिर उन्हें याद आता है कि पोल के ऊपर रात में रेड बल्ब जल रहा था, तो अब बैकी उस पोल पर चढ़कर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करने का फैसला करती है। पोल की लंबाई 30 फीट होती है। बैकी सबसे पहले उस रेड बल्ब को निकालती है और चार्जर के पिंस को बल्ब के सॉकेट के साथ जोड़ देती है। उस पोल पर लटककर बैकी ड्रोन की बैटरी को फुल चार्ज करती है। बीच बीच में उसे कुछ बाज परेशान करते हैं, लेकिन वो उनका सामना करते हुए ड्रोन को चार्ज करके वापस नीचे आ जाती है। उसके बाद वो हेल्प नोट के साथ ड्रोन को वापस उड़ाते हैं, पास वाले होटल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन होटल से जस्ट पहले ड्रोन एक ट्रक से टकरा जाता है और वहीं रोड पर गिर जाता है। उनकी लास्ट उम्मीद भी गई। अब उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ बैकी के पास फोन था। बैकी हंटर से उसका शू मांगती है ताकि वो अपने फोन को हेल्प मैसेज के साथ नीचे ड्रॉप कर सके, लेकिन यहाँ बैकी के होश उड़ जाते हैं। भूखी प्यासी और दो दिनों से जागे रहने की वजह से बैकी को हेल्यूसिनेशन हो रहा था कि हंटर उसके साथ वहीं हैं, लेकिन असल में हंटर मर चुकी थी। जब हंटर बैग लेकर ऊपर आ रही थी तभी उसका हाथ फिसल गया था और वो नीचे टावर के रिसी पर जा गिरी थी और मर गई थी। और जब बैकी को ये सब रियलाइज होता है तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। उसने उस वक्त हंटर को नहीं बल्कि सिर्फ बैग को ऊपर खींचा था और अब वो अकेली टावर पर है। बैकी के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो मर जाए या फिर कुछ भी करके सरवाइव करे, और बैकी सरवाइव करने का ऑप्शन चूज करती है। वो भूखी थी तो उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था। वो बड़ी चालाकी से एक वल्चर या एक बाज को पकड़कर उसे मार देती है और उसे खा लेती है ताकि थोड़ी एनर्जी मिल सके। बैकी को अपना फोन हेल्प मैसेज के साथ टावर से नीचे ड्रॉप करना है, लेकिन उसके लिए उसे फोन को किसी ऐसी चीज में रखकर फेंकना होगा जिससे कि फोन टूटे ना। तो वो हंटर की तरह रोप की मदद से हंटर की डेड बॉडी के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले वो अपने फोन में हेल्प के लिए मैसेज टाइप करती है और सेंड बटन पर क्लिक कर देती है। फिर वो हंटर का शू लेकर फोन को उसमें रख देती है और उस शू को हंटर के फटे हुए पेट में अंदर घुसा देती है ताकि नीचे जाने पर फोन टूटे ना। और लास्ट में वो उसकी बॉडी को धक्का मार देती है और ये काम कर जाता है। नीचे जाकर फोन को सिग्नल मिल जाता है और मैसेज डिलीवर हो जाता है। काफी सारी पुलिस, हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीम बैकी को बचा लेते हैं। बैकी अपने फादर से मिलती है और उन्हें सॉरी बोलती है और वो लोग घर चले जाते हैं। फाइनली बैकी ने सरवाइव किया और वो बच गई और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और इस मूवी से रिलेटेड कोई भी थॉट आपके मन में हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना।